लक्ष्मी और शनि में कौन बड़ा है? एक बार पृथ्वी लोक पर देवों के देव शनि देव और विष्णु प्रिय माँ लक्ष्मी दोनों ही पृथ्वी लोक में भ्रमण करने अपने अपने भक्तों को देखने के लिए आए। दोनों घूम रहे थे कि आमने सामने आ गए। शनि ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और फिर आपस में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। लक्ष्मी ने अपना सारा ऐश्वर्य धन दौलत दिखाकर कहा कि देख मैं बड़ी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जिसमें मैं खुश होती हूँ उसे संसार के सब सुख मिल जाते हैं। शनि ने कहा मैं कलयुग का न्यायाधीश हूँ, मेरे डर से सभी पापी डरते हैं। यदि मैं ना हूँ तो न्याय व्यवस्था बंद हो जाए। दोनों सब देवताओं के पास गए, हमारा फैसला कर दो। देवता ने सोचा यदि शनि को छोटा कहा तो हमारा हाल भी विक्रम जैसा ना कर दे, और लक्ष्मी को छोटा कहा तो यह रूठ कर चली जाएगी, हमारी 21 पीढ़ी भूखी मरेगी। दोनों का फैसला ना हुआ। रास्ते में नारद जी मिले, दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया, फिर बोले आप हमारा फैसला कर दो कि कौन बड़ा है। सुनकर नारद जी चकरा गए। नारद जी ने कहा कि मैं तो नारायण का भक्त हूँ, आप अपना फैसला नारायण जी से करवाओ। दोनों नारायण के पास पहुँचे और पूछा प्रभु हम दोनों में से कौन बड़ा है, हमारा फैसला कर दो। नारायण भगवान ने कहा कि 7 दिन के बाद आना। दोनों 7 दिन के बाद नारायण के पास पहुंच गए। नारायण ने कहा तुम दोनों चलकर दिखाओ। दोनों थोड़ी दूरी चले फिर वापस आ गए। नारायण जी ने कहा लक्ष्मी तुम आती हुई अच्छी लगती हो। शनि ने कहा हे शनि तुम जाते हुए अच्छे लगते हो। शनिदेव नारायण की चतुराई को समझ नहीं पाए और उनकी माया से मोहित होकर खुश होकर चले गए। कहा हे प्रभु आपने हमारा इतना अच्छा फैसला किया है, कहकर शनि शनि लोक में चले गए और माता लक्ष्मी नारायण जी के पास बैठ गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें।